लेजर बुक, लेजर बुक में एक लेजर अकाउंट के रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो एक जगह पोस्टेड दिखता है। लेजर बुक में उस पीरियड का पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर उस पीरियड के जितने भी ट्रांजैक्शन है डेट वाइज, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट कॉलम और क्रेडिट कॉलम में उसका अमाउंट रहेगा, पोस्टेड रहेगा, और उसके बाद में टोटल्स रहेंगे उस पीरियड के ट्रांजैक्शंस के, फिर क्लोजिंग बैलेंस रहेंगे। लेजर बुक डिस्प्ले के लिए गेटवे ऑफ टैली में डिस्प्ले, डिस्प्ले में अकाउंट बुक, अकाउंट बुक्स में लेजर सेलेक्ट कीजिए। फिर जिस लेजर अकाउंट का डिस्प्ले लेना है वो लेजर अकाउंट अकाउंट लिस्ट से सेलेक्ट कीजिए। तो आपके करंट पीरियड का लेजर अकाउंट, लेजर वाउचर लिस्ट मिलेगा। एफ टू डेट, एफ टू पीरियड क्लिक करने से आप पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट और एंड बटन लेके। तो आपको जिस पीरियड का लेजर अकाउंट चाहिए उस पीरियड का लेजर वाउचर्स मिलेगा। जबकि नॉर्मली हम लेजर अकाउंट में पहले ओपनिंग बैलेंस, फिर ट्रांजैक्शन, फिर क्लोजिंग बैलेंस लिखते हैं डिस्प्ले में, लेकिन वैसा नहीं मिलेगा। सारे ट्रांजैक्शंस, उस पीरियड के ट्रांजैक्शंस पहले दिखाई देंगे, फिर नीचे ओपनिंग समराइज्ड ओपनिंग बैलेंस, फिर ट्रांजैक्शंस के टोटल, और फिर उस लेजर बैलेंस के क्लोजिंग बैलेंस, डेबिट या क्रेडिट जिस कॉलम में है, जिस जो जैसा बैलेंस है उस कॉलम में बैलेंस दिखाई देगा। F1 कंडेंस्ड सिलेक्ट करने से आपको फर्स्ट अकाउंट लेजर का फर्स्ट लेजर अकाउंट डिस्प्ले करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री अकाउंट, डिटेल में बाकी अकाउंट भी आपको इनर कॉलम में डिस्प्ले होगा। F12 कॉन्फ़िगर क्लिक करने से कॉन्फ़िगरेशन स्क्रीन मिलेंगे, उसमें आप वो लेजर अकाउंट डिस्प्ले के ऑप्शन सिलेक्ट करके आप उसका कंटेंट्स या लेआउट कंटेंट्स चेंज कर सकते हैं। एक वाउचर में अगर एक डेबिट या एक क्रेडिट, एक डेबिट क्रेडिट से ज़्यादा अकाउंट अगर है तो लेजर में डिस्प्ले डिटेल में एज पर डिटेल्स हेडिंग रहेगा, और उसमें उसके नीचे बाकी कॉम्प्लीमेंटरी अकाउंट्स डिस्प्ले रहेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी अकाउंट्स के फिगर रहेंगे इनर कॉलम में। कॉम्प्लीमेंटरी अकाउंट्स का मतलब है फर्स्ट लेजर के अलावा जितना भी अकाउंट्स है बाकी अकाउंट्स उस एक वाउचर में। फर्स्ट अकाउंट का डिटेल्स डेबिट या क्रेडिट कॉलम जैसा भी है उस कॉलम में दिखाई देगा, और बाकी कॉम्प्लीमेंटरी अकाउंट्स इनर कॉलम में, उसमें डेबिट या क्रेडिट का साइन रहेगा, एक ही कॉलम में इनर कॉलम में सारे अकाउंट्स रहेंगे कॉम्प्लीमेंटरी।